लोक मानस को सुनकर यह कैसा महसूस होगा यदि हम कहें कि एक नदी थी गंगा, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती थी। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को यह नदी सींचती थी। यह नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी थी। आज हम उसी नदी के कुछ फुटेज आपको अपने आर्काइव से निकाल कर दिखा रहे हैं, ताकि आप कह सके कि कितनी निर्बाध और निर्द्वंद थी गंगा। सच में गंगा अब दंत कथाओं और लोकगीतों में रह जाएगी, क्योंकि हमने इसकी गारंटी शुदा तबाही का रोड मैप तैयार कर लिया है। गंगा की बर्बादी पर अपनी चिंता जाहिर कर रही है मल्लिका भनोत। पहली इसकी, आप पैदा होते से लेकर मरने तक आप बताइए ना कि भारतीयों में गंगा जी का महत्व कितना है। आज एक बूंद गंगा जी की कहीं पे पड़ती है तो वो शुद्ध हो जाता है। और आप सोचिए, गंगा इतना आप महत्व दे रहे हैं, दो बूंद एक किसी नदी के, और आप उधर पहाड़ों में नदी को बहने नहीं दे रहे हैं, बांध बना रहे हैं, और नीचे आप उसी माँ का, जिसकी दो बूंद आपको पवित्र करती है, उसी माँ में आप सारे मल डाल रहे हैं। और ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये सभ्य व्यवहार है? क्या कोई अपनी माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा? ये सभ्यता की निशानी नहीं है, ये असभ्य व्यवहार है। ये किसी नदी के साथ नहीं करना चाहिए, छोड़िए नाचते नदी गंगा, किसी नदी के साथ आपको ये नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति में खुद प्रधानमंत्री जी सभी लोग यहाँ पे जाकर बोलते हैं कि हर चीज़ हमारी जैविक है, ऑर्गेनिक है, हम हर चीज़ के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, प्रकृति शांति हमारे मंत्रों में आता है। भाई आप, हम उससे अछूते थोड़ी हैं। हमें कहाँ सिखाया गया है कि ये अलग है, पानी अलग है, पहाड़ अलग है, पेड़ अलग है? हमें तो ये हमारी संस्कृति का मूलभूत ही यही है कि हम सब एक हैं, वही एक आत्मता है हमारे अंदर। तो किसी भी नदी के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार असभ्यता है। जो गंगा जी के साथ हो रहा है ये तो पाप है, ये असभ्यता भी नहीं है, ये पाप है एक तरफ, और ये धोखा है। पापों से मुक्ति दिलाने वाली गंगा आज सामाजिक पापियों के निशाने पर है। नमामि गंगे के बहुप्रचार के बीच गंगा के बिलाने की पीड़ा अभी और गहराएगी। सरकारें सुन्न है और समाज को सन्निपात हो चुका है, यानी समाज का हिंदू मन मानसिक और शारीरिक संतुलन खो चुका है, नतीजतन वह स्मृति खो चुका है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, अगर हम गंगा को नहीं बचा पाए तो फिर अन्य नदियों को बचाने का तो सोचना भी मुझे लगता है व्यर्थ है। अगर आप जिसको आपने माँ का दर्जा दिया है, जिसके लिए आपने पता नहीं कितने ही वर्षों से बार बार एक के बाद एक एक्शन प्लान बनाए, नमामि गंगे अभी शुरू हो गया है, अगर आप इसके बावजूद भी नेशनल रिवर, जिसके इतने सारे आंदोलन हो गए गंगा जी के लिए, बावजूद इसके अगर आप गंगा को नहीं बचा पाए, जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे फ्लो ऑफ आवर सिविलाइजेशन है, फिर बाकी नदियों का कैसे आप बचा पाए? अगर आप अपनी माँ के प्रति अगर आप इस तरीके का भाव ना रख सके उनके संरक्षण का, दूसरी नदियों को क्या सोचते हैं? गंगा को अपनी माँ कहने वाले इस देश का हिंदू मन अपनी माओं को ओल्ड एज होम पहुंचाने से नहीं हिचकता। बाजार की भाषा में नदी तो महज पानी का बहाव है, क्या गंगा क्या नर्मदा। गंगा कभी ऐसी थी, यहाँ 100 फीट से ज्यादा पानी का जमाव और बहाव रहता था जिस पर स्टीमर चलते थे, लेकिन यहाँ का आलम आज ऐसा है। यहाँ सरसों की खेती हो रही है, शहर के कचरे से 100 फीट की गहराई पाट दी गई तो गंगा दूर चली गई। यही कहानी हर जगह होने जा रही है, क्या उत्तराखंड, क्या बिहार के पटना से लेकर भागलपुर और उसके आगे, नदी तेजी से बिलाती जा रही है। सच में गंगा की उपेक्षा सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों में भी जमकर हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ों में गंगा जी का बहुत सम्मान है और नीचे मैदानों में वो तिरस्कृत हुई है। पहाड़ों में भी गंगा जी का जो तिरस्कार है और जो मैदानों में तिरस्कार है, व्यक्ति वहाँ पे भी वही सोच रखता है, नीचे मैदानों में भी वही सोच रख रहा है। पहाड़ों में बस इतना है कि
गंगा जी आज भी हमारे एक नैसर्गिक प्रवाह है हमारा, थोड़ा सा जो हमें कहीं कहाँ पर वो अपने अपने नैसर्गिक प्रवाह में दिखती हैं, तो उसकी एक खुशी है, उसकी एक उसका एक उल्लास है। और क्यों है ये उल्लास? क्योंकि गंगा हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम मुझे शब्द नहीं मिलते हैं ये कहते हुए कि, और मेरी अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। इन उदासियों के बीच देश का युवा मन का एक बड़ा तबका गंगा को लेकर बेहद संवेदनशील है। उसके लिए गंगा ही संस्कृति है, धर्म है और उसका आचरण है। गंगा जो है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारे वर्षों की साधना का प्रतीक है। गंगा के किनारे हमारी सभ्यता विकसित हुई है और गंगा उन सभी बातों को, उन सभी भावनाओं को दर्शाती हैं जो कि हम जिसके साथ हम पले बढ़े हैं। हमारी जो गूढ़ संस्कृति है, हमारी जो मोरालिटी है, वो हमारी जो सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस है, वो गंगा के बहाव के साथ जुड़ी हुई है। अगर गंगा बहती है तो हमारा सिविलाइजेशन हमें बहता हुआ, हमें उसके बहाव के साथ गाता हुआ दिखता है, उपजता हुआ दिखता है। अगर उनका बहाव रुकता है तो उस बहाव की रुकावट के साथ हमारी अपनी गति भी रुकती है। उतना ज़्यादा जुड़ाव है हमारा और गंगा का। लेकिन नदियों की सेहत की चिंता सरकार ही क्यों करे? समाज, परिवार और व्यक्ति व्यक्ति क्यों नहीं? समाज ने धर्म के आचरण से लेकर कर्मकांड में नदियों का सहारा ढूंढा, उनमें फूल से लेकर लाशें बहाते हैं। आज भी लाशें जलाकर बहाकर बैकुंठ और मोक्ष के द्वार पर दस्तक देने की कोशिशें होती हैं, लेकिन नतीजा? इसमें सरकार क्या करे? सरकार समाज से अलग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरकार और समाज जो है वो अलग है। हमारे तो हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, समाज ही सरकार बना रहा है। सरकार वही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमारे बीच में से उठ के आते हैं लोग और बोलते हैं कि हमें आपके देश की सेवा करनी है, हम उन्हें चुनते हैं। सरकार से अलग हटकर अपनी बात करें, हम क्या हैं? धर्म और संस्कृति की दुहाइयों के बीच एक आम आदमी की सोच और कारगुजारियां क्या क्या हैं? हम उन्हें उस पोजीशन पर डालते हैं। ये हमारी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक कंसोलिडेटेड सोच है जिसमें एक प्रॉब्लम है। हम अपनी जड़ को भूल कर हमें पाश्चात्य संस्कृति, जो विकसित देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों में अपनी अपनी जगहों पर जैसे भी विकास किया है, हम उनके ऊपर और उनके तरीके का विकास जो है वो अपनाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी चाल खुद भूल गए। हम भूल गए कि हमारी संस्कृति ने हमें कैसे सिखाया है, हमें किस तरीके का विकास करना है, क्या मतलब है हमें विकसित होने का। ऐसी गंगा नदी अगर किसी और देश में तो नहीं है ना, किसी और देश में तो ये नहीं किया गया है कि भाई आप उनके लिए जल पानी पानी है, उनके लिए पानी गंगा तो नहीं बन जाती। तो ये मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेटेड सोच का इशू है कि हम सभी जन शुरू से ही विकास को, हमने वेस्टर्नाइज मॉडल को ही विकास माना है और हम उसी कॉन्सेप्ट पे और उसी डेवलपमेंटल मॉडल पे ही चलते आए। नदियों की चिंता कीजिए तो बात धर्म, चिंतन और अध्यात्म तक आ पहुंचती है, लेकिन इन सबसे अलग हटकर बात हो हिमालय और गंगा से जुड़ी समस्याओं का उपाय क्या है? उपाय तो यही उपाय करते करते हमने बहुत वर्षों से हम लोगों ने मेहनत करी और हमने कई तरीके से सरकार के साथ, समाज के साथ हम लोगों ने कई तरह से काम किया और 2010 में हमें एक सफलता प्राप्त हुई कि गंगा जी 2500 किलोमीटर की है और उसके कुछ आखिरी 80 से 100 किलोमीटर बचे हैं जहाँ पे गंगा अपने नैसर्गिक स्वरूप में आज भी जिंदा है और वो है गौमुख से लेकर, गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक का उसका 80-100 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो ये जो स्ट्रेच है इसको इको सेंसिटिव जोन 2010 में घोषित किया गया था। इस इको सेंसिटिव जोन में ये बताया गया था कि हम जो विकास करेंगे वो अलग तरीके का विकास करेंगे, जो यहाँ का विकास का मॉडल होगा वो पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए, वो उसकी संवेदनशीलता को समझते हुए, यहाँ की जो वल्नरेबिलिटी है और जो लोगों का जो रहन सहन है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे विकास का मॉडल बनाया जाएगा। अब ये बहुत ही अफसोस की बात है, 2012 में ये नोटिफिकेशन बनकर आई
और आज तक ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई है। उम्मीद मत कीजिए कि गंगा को लेकर कोई कारगर कदम उठाए जाएंगे। सच सामने है कि सरकार के लोग गंगा के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कभी हमेशा से ये रहा कि राज्य ने बोला कि अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो विकास के अगेंस्ट है। तो हमेशा यही बात आ जाती है कि हम कुछ अच्छा करने की पहल भी करें तो हम अच्छा कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि पहले से ही ये प्रिमोनिशंस हैं, ये पहले से ही सोचे कि अरे ये तो एंटी डेवलपमेंट है। भाई करे तो सही इम्प्लीमेंट। सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम पहाड़ों में ये जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो जिसे कहें कि ग्लेशियर से लेकर 100 किलोमीटर तक की जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उनको अगर हम छोड़ दें उनके नैसर्गिक स्वरूप में, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हम एक इको सेंसिटिव जोन, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की तर्ज पे अगर विकास का मॉडल बनाए, अगर डेवलपमेंट का मॉडल बनाए, तो हम इस पूरे नदी क्षेत्र को, गंगा के बेसिन को और इसके जो कैचमेंट है जहाँ से इसके सारे गुण तत्व आते हैं, उन सबको हम संरक्षित कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। और अगर वहाँ पर हम उसको मूलभूत तरीके से अगर हम वहाँ पर उसको संरक्षित कर पाए, तो नीचे जो नदी का बहाव है उसमें सभी तरीके के जो गुण हैं वो बरकरार रह जाएंगे। और ये होएगी शायद, मुझे लगता है कि अगर ऐसी एक पहल करी जाए जिसमें कि आपकी सड़कें भी बने बट वाजिब बने, जिसमें आपका टूरिज्म भी बढ़े पर लीनियर ना रहे, सब तरीके से ग्रोथ रहे, गांव-गांव में भी जाए, सब लोग अपना उसका उस टूरिज्म का फ़ायदा ले सकें, सिर्फ यही नहीं कि एक आदमी जाए और सीधा धाम में और जाए और वापस आए और सरपट गाड़ियां भगाए, इस तरीके का ना हो। इसमें एक रिलीजियस सैंक्टिटी भी हो, इसमें आपका जो कल्चरल इथॉस है उसके बारे में भी सोचा जाए, जो हमारी संस्कृति है उसका भी ध्यान रखा जाए, और हम जो पर्यावरण संवेदनशीलता है उसका तो सबसे खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर हम हिमालय और गंगा को संरक्षित करेंगे तो ही हमारा संरक्षण है, तो ही हमारी सुरक्षा है। अगर हम इंडिया नाश करेंगे तो हम अपना ही नाश कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी सोच है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी बात भी इतने वर्षों से इसके बारे में क्यों करनी पड़ रही है। बहुत साधारण सी समझ है। गंगा ने पता नहीं कितने ही वर्षों से करोड़ों करोड़ों लोगों को संभाला है। गंगा बेसिन सबसे फर्टाइल बेसिन है पूरे विश्व का। आज तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का हमने गलत हमला कर दिया है और हम उसी को ही खत्म। हर बार सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि सियासत के लिए वोट जरूरी है या गंगा और हिमालय की हिफाजत। वोट चारों धामों को आपस में जोड़कर मिले तो धर्म महिमा मंडित होगा, और धर्म का बाई प्रोडक्ट है वोट, जनादेश, सत्ता और सियासत।